एक गीत मैं सुनाता हूँ रील बनाने वाले लड़के सुना थोड़ा माहौल बदलते फिर है ना ठीक है सुनाते हैं एक मैम चूंकि पीढ़ी बैठी है अब सेवाग्राम भी पीढ़ी है श्यामल भैया बैठे हैं अब सेवाग्राम पीछे इंस्टाग्राम की पीढ़ी बैठी है तो सेवाग्राम टू इंस्टाग्राम का जो जनरेशन है तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है इसमें कहीं को दो राय नहीं है है ना ये तो पर्चे पास करके पीछे पीछे अंतरिक्ष तक जाने वाली पीढ़ी है इसमें कहीं कोई बात नहीं है लेकिन इसके बावजूद हर आदमी को अपना अतीत तो अच्छा लगता ही है हमारे परदादा को अंग्रेज का जमाना अच्छा लगता था बांध का मारता था अंग्रेज फिर भी कहते थे हाउ जमाना की बातें अलग को, को, को कोनो बातों का उठाएंगे ही खत्म टाइम वो टाइम था टाइम था बांध के मारता था अंग्रेज आंक मारता था लेकिन हाई पकड़ के बोलते थे हो हो जमाना की बातें अलग था तो अतीत सबको सुनना सबको मोहता है अतीत से ज्यादा है ना वो तो मैं। चावल खिलाइए उनको लाल किला उ चावल था कौन चावल था लाठी टेक के चल लेते थे इतना तो लंबा चावल होता था आज अब सब किस्सा सुनाएंगे उस वक्त घी यहां बनता था तो टोला महकता था एक आदमी घर में घी आता था सब महकेस पर काम चलाते थे मुखिया जी यहाँ बनता होगा बाकी जनता तो खाली कटोरी ऐसे ऐसे एंटीना जैसा घुमा देती होगी दाल खड़ा करके वो टाइम था टाइम था सर तो ये था तो हर आदमी को अपना अतीत अच्छा लगता तो मुझे भी अपना अतीत अच्छा हम भी मानते हैं मेरा दौर सबसे अच्छा दौर था वहां से गीत सुनाते हैं हम कौन लोग थे हाई स्कूल से शुरू करते हैं वहां से कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के दे 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 दे। कौन थे हम लोग भाई जी, जी, जी स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के दे 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 दे। आप भी दीपांकर जी हम ही लोग के साथ हैं सात्विक जी भी हैं सर आपने और, और, और मुझे पता चला है कि रवि सर को भी ये गीत बहुत पसंद है तो स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के चलती तीर को खुद पर लेके अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के और उड़ती तीर भी उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के पर दिल टूटे तो पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के और क्या वो लड़के थे अभी, अभी किसी ने ज्ञानेन्द्रपति सर से बात किया से वो कह रहे थे कि किताबों को प्रेमिका समझने वाली बात वहां से लेकिन यार वो किताबें क्या क्या थी उस वक्त ये उस समय की उंगलियों से पूछिए आप कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के समोसा के सिर बिल टिकाने वाले लड़के और जो लोग अभी भी साइकिल से भुझा जोरी से आ रहे हैं कुरबा से जाते हैं कोचिंग करने है ना उनके लिए कि मेहनत के पथ पर मिलो साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के और देखिए उस वक्त तो भारत पाकिस्तान युद्ध कम ही होता था है ना आजकल तो रोज होता है भोरे उठे युद्ध है अच्छा आपको युद्ध में अपनी भूमिका भी रोज निभानी पड़ती है ये वाला मैसेज फॉरवर्ड कर दो लाहौर खत्म वो वाला मैसेज फॉरवर्ड कर दो कराची खत्म जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है अब तो हमारे पास बहादुरी दिखाने के कई तरीके हैं लेकिन हम हम जब मैट्रिक में पढ़ रहे थे आठवीं सातवीं पढ़ते थे तब ये सब नहीं था तब क्या था वीरता दिखाने के लिए कि बीयर पचा के खुद को बहादुर वीर बताने वाले है लड़के और निकले सड़क पर गुमटी दफ्तर सील कराने वाले लड़के और खड़े खड़े थाना ठेकेदारी डील कराने वाले लड़के अरे कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के और क्या था एक शेर खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के पर हक में उठे तो कितना भी मस्ती हो कितना भी अल्हड़पन हो लेकिन जब जिम्मेदारियां मिल जाए तो इन्हीं लड़कों को कि हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू क्या जाने यह रील बनाने वाले लड़के बहुत बहुत धन्यवाद जिंदाबाद